हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। आज बात करने वाले हैं हम प्रेगनेंसी के टाइम पे, आपके गर्भावस्था के टाइम पे आप देखोगे कि आपके स्टमक पे, आपके पेट में जो है आप हेयर देखोगे कि बाल काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि प्रेगनेंसी से पहले आपके साथ में नहीं था, लेकिन अभी आप देखोगे कि आपके पूरे बॉडी पे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे मैं पहले भी बताया हुआ है वीडियोज़ में कि आपके पेट पे, आपके नेपल्स पे, इवन इफ आपके अपर लिप्स एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा बाल आपको देखने को मिलते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है। क्यों होते हैं ये, किस तरीके से आप इसके साथ डील कर सकते हैं, इस सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि प्रेगनेंसी टाइम पे क्यों आपके पेट पे, क्योंकि आज हम आपके पेट की ही बात करने वाले हैं, तो क्यों आपके पेट पे इतने बाल हो जाते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जब आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को भी एंजॉय करते हो, जैसे आप देखोगे कि प्रेगनेंसी का ग्लो काफ़ी आपके उस पर आया होता है, आप देखोगे कि बाल आपके काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्कर कलर के होते जाते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। बट इसके साथ साथ आपको जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ये भी होती हैं कि आप जिस एरिया में नहीं चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके स्टमक पे, आपके आर्मपिट पे, आपके चिन पे, आपके अपर लिप्स एरिया पे कई बार काफ़ी ज़्यादा बाल आ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहले तो इसको आपको पेशेंटली डील करना है, मतलब आपको पेशेंस रखना है इस टाइम पे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में हो रहे हैं, इसकी वजह से प्रेगनेंसी टाइम पे आपका हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है, आपके बालों का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है और बाल पहले से ज़्यादा आपको थिक लगते हैं, बाल पहले से ज़्यादा आपको डार्कर लगते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल है, घबराना नहीं है। जब आपका डिलीवरी का टाइम आएगा, जब आपके हॉर्मोन जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे जैसे आपके प्रेगनेंसी से पहले थे, तब ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको लग रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अभी आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बाल जो है आपके स्टमक पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाते हैं। बट प्रेगनेंसी टाइम पर इसके साथ कैसे डील करें उसके बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी टाइम पर अगर आप देख रहे हैं कि आपके पेट पर काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, वैक्सिंग है, हेयर रिमूवल क्रीम का है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं हेयर को रिमूव करने के लिए। अगर पॉसिबिलिटी है, अगर ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही चलने दीजिए। अगर जैसे आपको कुछ ड्रेसेस वगैरह वेयर करने हैं या आपको ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग के पेट पे काफ़ी ज़्यादा बाल हो जाते हैं और आपको ज़रूरत है कि आपको रिमूव करने हैं, तो आप वैक्सिंग करा सकते हैं, आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि पेट होता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इस टाइम पर हो जाता है, एक बेबी भी आपके अंदर होता है, तो एक डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कर लीजिएगा कि हेयर रिमूवल के लिए आप ये वाला मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे वैक्सिंग या हेयर रिमूवल क्रीम या फिर कोई और अगर आप करना चाहें, तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जैसे कुछ प्रेग्नेंट वुमेंस होते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, तो हम कई बार कंपेयर करते हैं कि उनके पेट पे प्रेगनेंसी टाइम पे इतने ज़्यादा बाल नहीं थे, बट मेरे टाइम पे क्यों है, या उनके टाइम पे थे, मेरे टाइम पे क्यों नहीं है, तो ये काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। अब होता क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम पे क्योंकि हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी के साथ में जैसे वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ लोग के साथ में हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। हेयर ग्रोथ सबके साथ में होता है, मतलब बालों का ग्रोथ आपका बढ़ जाता है, थिक हो जाते हैं, डार्कर हो जाते हैं, बट कुछ लोगों के केस में कम होता है, कुछ लोगों के केस में ज़्यादा होता है। ऐसे ही कुछ लोगों के पेट पे बाल ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के पेट पे बाल जो है वो कम होते हैं, तो वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आप जिनके पेट पे बाल कम है, हो सकता है उनको एक्ने का प्रॉब्लम, उनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, ऐसे कुछ प्रॉब्लम प्रेगनेंसी टाइम पे हो रहे हों, तो वो हर किसी के बॉडी पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये जो बाल आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो बढ़ गया है, तो वो कब तक ठीक होगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, जिसकी मैंने वीडियो में पहले भी बात करी है। जैसे ही आपका डिलीवरी हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद आपके जो हार्मोन्स है वो वापस से नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर जो है आपको ये बाल जो बहुत ज़्यादा का प्रॉब्लम लग रहा है आपके पेट पे या बाकी बॉडी पार्ट्स पे, वो काफ़ी कम हो जाता है जैसे जैसे आपकी बॉडी नॉर्मल होती है, जैसे जैसे आपके हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, तो ये जो है डिलीवरी के बाद में आपके साथ में ठीक हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ में ये एक्सेस हेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर है, तो
नॉर्मल है, लेकिन उसके साथ में कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे एक्ने का है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा हेयर्स है, या फिर थोड़ा सा आपको वॉइस में भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आपका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा गेन होता जा रहा है प्रेगनेंसी में। वेट गेन होना नॉर्मल है, बट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है कंटिन्यूसली, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली देखने को मिल रही हैं। प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उस टाइम पे डॉक्टर आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल रहा है। वीडियो यूज़फुल रहा है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।